ब्राजील के गोल लिन्हास एरिस इंटेलिजेंस एसए ने सोमवार को अपने घरेलू नेटवर्क पर 9 दिसंबर से वाणिज्यिक मार्गों पर बोइंग की 737 मैक्स उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की। गोल ने यह भी कहा, रिफाइनेटिव को उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक संचालन के लिए पूरी तरह से वापस आने के लिए अपने मौजूदा बेड़े में 737 मैक्स विमान शामिल होंगे। यह घोषणा अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक द्वारा बोर्ड पर मीडिया के साथ 737 मैक्स की पहली पोस्ट ग्राउंडिंग उड़ान का मंचन करने के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद आती है, क्योंकि वाहक यात्रियों को यह दिखाना चाहते हैं कि पुनः डिजाइन किया गया जेट 20 महीने के सुरक्षा प्रतिबंध के बाद सुरक्षित है। अमेरिका ने पिछले महीने 737 मैक्स पर उड़ान प्रतिबंध को हटा दिया था, जिसमें यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉफ्टवेयर सिस्टम और प्रशिक्षण उन्नयन के विवरणों को रेखांकित किया था, जिसे बोइंग और एयरलाइंस को यात्रियों को ले जाने से पहले पूरा करना होगा। प्रतिबंधों को हटाने के बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा था कि वो मियामी और न्यूयॉर्क सिटी के बीच दैनिक उड़ान के साथ 2020 के अंत तक 737 मैक्स जेट यात्री उड़ानों में वापस आ जाएगी। मार्च 2019 में बोइंग का सबसे अधिक बिकने वाला जेट ग्राउंडेड हो गया था, क्योंकि 5 महीनों में 2 दुर्घटनाओं में संयुक्त 346 लोगों की मौत हो गई थी, जो एयरलाइन उद्योग का दशकों में सबसे खराब सुरक्षा संकट था। ब्राजील 737 मैक्स के एकमात्र ऑपरेटर गोल ने कहा कि जेट की पहली उड़ानें साओ पाउलो में कंपनी के हब के लिए और उसके मार्गों पर होंगी। देखने के लिए धन्यवाद।